Hey guys, welcome to the Risham Ays Academy YouTube channel. This is director of the Risham Ays Academy. और आज इस वीडियो में हम थोड़ा सा कुछ प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे इंडियन इकोनॉमी के कुछ प्रॉस्पेक्ट्स हैं. सो लेट मी टेल यू बेसिकली एंड आई शुड से लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट कि हमारे जो इकोनॉमी के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं आने वाले कुछ समय के लिए, जैसे खास करके पिछले साल हमने जो 25 ईयर्स के लिए जो अमृत काल के बारे में जो एक घोषणा की है, तो उसका मतलब ये गाइस कि 2047 तक आपका जो एम है, आप चाह रहे हो कि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री हो. उसके लिए कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपने सेट किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल खास करके इस बजट के अंदर आपने 3 प्रॉन्ग्ड जो हमारी ग्रोथ की जो स्ट्रैटेजी है, जैसे कि यूथ के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा, खास करके उनके जॉब्स के पोटेंशियल को लेके. वेल अदर देन दैट एक चीज़ और भी है जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को पॉजिटिव बनाता है. अदर देन दैट हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जो आने वाले समय के लिए कुछ जो फाइनेंसेस हैं, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो चलो अलग बात है, यू टॉक अबाउट जितने भी गवर्नमेंट के फाइनेंस के मैकेनिज्म हैं. अदर देन दैट कि हमारे इन्फ्लेशन के लेवल्स हों या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हों, और यूथ पे फोकस करने की बात हुई है. और उसके बिना जो भी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ होती हैं या फिर कोई नेगेटिव है या कोई पॉजिटिव है, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, आप चाहते हो कि उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं, खास करके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, वो मिनिमाइज़ किए जा सकें. जैसे अब अगर आप ये पैंडमिक की बात करोगे, फिर उससे निकलने वाला जो हमारा एक इन्फ्लेशन का लेवल है या हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी अगर हम इकोनॉमी के प्रोडक्ट्स की बात करें, फिर चाहे वो कमोडिटी सेक्टर में हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर में हो, फिर चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, वो बहुत ज़्यादा हिट जो हैं वो सफ़र करते हैं. और फूड ग्रेन्स के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान अभी पूरी दुनिया में देखने को मिला. और इंडिया जैसी इकोनॉमी जो एक हैवी एक्सटर्नल कमोडिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, मैं कहूँगा जैसे ऑयल, बट थैंक्स टू द गवर्नमेंट इन दिस केस कि उन्होंने बेल आउट जो है वो किया है, लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आने दिया इस चीज़ का. पर यही है ना कि आप कब तक बेल आउट करते रहोगे. तो उसी वजह से आज इस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी हो जाती. और हर बार देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि सरकार अगर सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स को कहीं ना कहीं मिनिमाइज़ करती है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की बनती है. और ओवरऑल हमारी जो पॉपुलेशन है, क्योंकि हम सिर्फ डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्ट्रेंथ के ऊपर ये बातें नहीं कह सकते कि ठीक है हमारे पास क्वांटम जो है वो बहुत अच्छा है डेमोग्राफिक डिविडेंड का, सो वी आर बेसिंग अवरसेल्व्स अपॉन दैट. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. वेल यू हैव टू अंडरस्टैंड बेसिकली दैट इफ़ वी डोंट स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स अवर potential, I should say, then definitely like countries not going to benefit out of that. And we cannot expect the government to offer us at the, you know, any incentive in the form of social security, then in the form of some other things. Basically you have to have the sense of empowerment, and for that they are doing, no doubt. And there are several of the other things as well, जैसे गति शक्ति programs हैं या फिर infrastructure की बात है, खैर वो गति शक्ति के अंदर ही है. एंड देन लोगों के स्किल डेवलपमेंट को लेके है, क्योंकि अगर आपका 65% ऑफ द पॉपुलेशन या इवन मोर देन दैट, यू आर टॉकिंग अबाउट द यूथ पॉपुलेशन हु कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन द कंट्रीज डेवलपमेंट, देन व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू इनेबल देम, इनेबल इन द फॉर्म ऑफ अपस्किलिंग and then reskilling, so that you know they can not only have the on-site training mechanism, but other than that कि अगर वो कुछ ऐसे incentives हैं जिनकी वजह से government को लगता है that it can offer something out of it, तो उनको वो भी देने होंगे. क्योंकि एक हमारा जो economy का बहुत बड़ा sector है जहाँ पे आपको ज़रूरत है, वो है हमारा जो एक support driven mechanism है, उस secondary sector की अगर आप बात करो. टर्शरी सेक्टर जो है सर्विस के अंदर अगर हम बात करें, वो बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर है, और उसमें नो डाउट हमारे इंडिया ने ग्रोथ अचीव की भी है. पर वो ये कि जो बहुत अच्छी ग्रोथ आपको ऑलरेडी दे रहा है, यू डोंट वांट टू लिमिट योरसेल्फ. आप ये भी चाहते हो कि उससे थोड़ा सा हम और आगे बढ़ें, बट अदर देन दैट यू ऑल्सो नीड कि इंडिया का बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है, या मुझे कहना चाहिए बहुत बड़ा तबका, मोर देन 45% ऑफ दी जो पॉपुलेशन है वो अगर प्राइमरी सेक्टर में है, तो उसकी जो आउटपुट है आपको वो भी बढ़ानी है. आप बहुत ज़्यादा बैंक अपॉन एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर नहीं कर सकते हर बार. यू ऑल्सो हैव टू इंक्रीज़ योर प्रोडक्टिविटी. और अब तो सिर्फ इतना ही नहीं, आपको क्लाइमेट चेंज के कुछ जो इश्यूज़ हैं आपको उनका भी ध्यान में रखना है. रही बात मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स चलाए हैं, स्किल इंडिया जैसे चलाए हैं, और फिर उसके बाद में स्टार्टअप इंडिया है, सो दैट कि जितने भी लोग हैं दे कैन कम फॉरवर्ड. और एक्सेस टू कैपिटल की अवेलेबिलिटी के लिए आप मुद्रा योजना की बात करें या एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की बात करें, एंड देन स्किल डेवलपमेंट की बात करें, एंड देन फिर जॉब्स आपके हैं. तो बहुत सारी चीज़ें हैं विच आर हैपनिंग बेसिकली. पर वही है कि आप इस चीज़ को थोड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि कब तक ये सिर्फ रहेगा विदाउट एनी इंसेंटिव्स हम आपके चलेंगे। कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट का पोटेंशियल हमें बढ़ाना होगा अगर हम कैपिटलाइज करना चाहते हैं इस सो कॉल्ड बेनिफिट के ऊपर जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोल रहे हैं। तो यही एक छोटी सी बात बहुत शॉर्ट में मैं चाहता था कि जो खास करके बजट के बाद जो एक रहा है आर्टिकल्स के अंदर जिस कदर लोग होपफुल हैं इंडिया के इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स को लेके, अदर देन सम ऑफ द चैलेंजेस एज वेल, इनहेरेंट चैलेंजेस दैट द इंडियन इकोनॉमी इज़ ऑल्सो फेसिंग। तो ये कुछ चीज़ें हैं। आई होप कि आपको बात जो है वो पसंद आई है। एंड गाइज़ अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो देन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड कोई और अगर बात है, इफ़ यू वांट टू शेयर सम ऑफ योर फीडबैक्स और वट एवर दैट इज़, देन ऑफ कोर्स यू कैन कमेंट इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर।